आप देख सकते हैं जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है और पूरा दिल्ली हर हर महादेव हर हर महादेव। ये यमुना का पानी यहाँ तक आ रखा है पूरा। चौक गुरुद्वारा चौक दिल्ली। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ, दिल्ली का बहुत फेमस मार्केट है तो आपको भी दिखाती हूँ कौन से मार्केट जा रहे हैं हम लोग, और आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ दिल्ली में। इस चालान को भर सकते हैं या जो भी सुनवाई होनी है उसके लिए आप जा सकते हैं। तो एक से एक अपडेट्स जो है आपको मैं दे रही हूँ प्रोग्राम दिल में दिल्ली में। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त अर्जुमाला, और साथ ही साथ एक और बेहतरीन गाना सिर्फ आपके नाम सुनिए, सिर्फ और सिर्फ बारिश शुरू हो रही होगी ना, मुझे लग रहा चांद दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है। जाम लगा हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा जाम लगा। मेट्रो जा रही है ऊपर। श्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम रेनबो हेडलाइन में, और फिर देखिए ना कि मजा केवल मंजिल तक पहुँचने में हो, ये जरूरी नहीं अगर सफर सुहावना होगा तो मंजिल तक पहुँच। कौन सी टाइम्स ऑफ इंडिया सारा ये है। अच्छा, सारे अखबार ये छपते हैं यहाँ पर, प्रयास है मतलब यहाँ पे ना एजुकेशनल फील्ड में या मेडिकल फील्ड में हेल्प कर सकता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे जो कंट्री है वहाँ पे AML जो टेक्नोलॉजीज हैं जो लोग सिटीज में रहते हैं उनको तो वो मिल जाएंगी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज बच्चे स्पीच फैसिलिटी
अम्बेडकर स्टेडियम बात करेंगे वो भी इस चीज को डिटेक्ट समझ पाएंगे। उसके पीछे है वो टेक्नोलॉजी है, सब कोटला जैसे एजुकेशन के अंदर ही या हेल्थ केयर के अंदर भी, जैसे टीवी है लोग खांसते हैं तो दिल्ली गेट आ गया सामने दरियागंज स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद ये है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट है और आगे दरियागंज स्टार्ट होने वाला है। ये पूरा हो गया मार्केट है ना पूरा दरियागंज, पुराना सा लग रहा है। दरियागंज का मार्केट पूरा दिल्ली का बहुत पुराना नहीं, बंद हो गया सर है भी है। बंद कौन सा हुआ था वो जो राज कपूर के टाइम का था? ये राज कपूर के टाइम का मार्केट लगा हुआ बाहर पूरा। जामा मस्जिद भी सीट लाइन में आ गई, बड़ा बहुत है आगे रेड लाइट तक है। अभी भी दरियागंज मार्केट चल रहा है पूरा बहुत बड़ा है आगे तक। जामा मस्जिद आने वाला है, उसके बाद लाल किला आएगा। अच्छा फिर हम चांदनी चौक जाएंगे। ये दिख रहा है लाल किला सामने और दिखेगा वैसे पौधों की वजह से नहीं दिख रहा क्लियर ना। और ये साइड है ना, इस साइड चांदनी चौक है, इस साइड चांदनी चौक है और इस साइड चांदनी चौक उधर। हाँ ये लाल किला है, दिल्ली का लाल किला। ये आगे पूरा चांदनी चौक मार्केट शुरू हो गया, पार्किंग है वहाँ की। बाहर लगा हुआ मार्केट चांदनी चौक। यहाँ से अंदर शुरू हो गया मार्केट चांदनी चौक का। दरीबा कलाम मार्केट चांदनी चौक का पूरा मार्केट गुरुद्वारा चौक दिल्ली चांदनी चौक। ये आ गया गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली चांदनी चौक।
चांदनी चौक मार्केट चल रहा है, बहुत बड़ा है चांदनी चौक आगे तक। पूरा नया बना था लॉकडाउन में बाहर का चांदनी चौक का, पहले ऐसे रोड सी थी ऐसी, तो अच्छा लगता है पूरा, लोग बैठे हुए रहते हैं यहाँ पे के टाइम पे और इधर मार्केट। ये है चांदनी चौक की पार्किंग और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो हम यहाँ आए थे थोड़ा कुछ सामान लेने के लिए, तो वो हमने ले लिया है, चलते हैं घर। लाल किला दिख रहा है सामने, दिख तो रहा है, पेड़ों से नहीं दिख रहा ना पूरा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर चांदनी चौक, और इसके बैक साइड में गौरी शंकर मंदिर, और इस साइड है लाल किला। रामलीला कहाँ होती है इसके अंदर? कौड़िया पुल दिल्ली का चांदनी चौक में पड़ता है। तो बीच बीच में इसको छोड़िए, आप सॉफ्ट और दिल्ली ले सकते हैं, बट अजवाइन और लोग बीच बीच में छोड़िए और थोड़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये कश्मीरी गेट मार्केट, कश्मीरी गेट, ये दरियागंज से जैसे ही लग रहा है सर, ऑटो पार्ट्स मिलता सारा। अच्छा, कश्मीरी गेट मार्केट है पूरा आगे, कश्मीरी गेट का ऑटो पार्ट्स मिलते सारे यहाँ पे। मार्केट पानी की वजह से बंद है। आज यमुना का जल स्तर बढ़ गया है ज्यादा, इसलिए मार्केट यहाँ पे ज्यादातर बंद ही है। चांदनी चौक में भी बंद थी मार्केट, कश्मीरी गेट में भी बंद है ज्यादा दुकानें, मार्केट बंद है ना आज, इसलिए खाली खाली लग रहा है पूरा। दिल्ली गन हाउस कश्मीरी गेट, बहुत पुराना है दिल्ली गन हाउस है। ये है मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट दिल्ली, आईएसबीटी दिल्ली। ये हम चांदनी चौक से मोरी गेट तक पहुंचे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ, आधे घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं, पूरी रोड ब्लॉक हो रखी है, और ये ऊपर जा रही है मेट्रो। कौन सी जगह पहुँचे?
कश्मीरी गेट बस अड्डे में ही घूम रहे हैं डेढ़ घंटे से। हाँ, चांदनी चौक से डेढ़ घंटा हो गया हमें निकले हुए और अभी भी हम कश्मीरी गेट में हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है आज दिल्ली में। कांवड़ वाले आ रहे हैं हरिद्वार से गंगा जल लेके। जा रहे हैं और एक आ रहे हैं, कुछ पहुंच गए लेके गंगा जल और कुछ अभी लेने जा रहे हैं। ये यमुना का पानी यहाँ तक आ रखा है पूरा कश्मीरी गेट तक, इसलिए सारी रोड ज़्यादातर आज बंद कर रखी है इस साइड की। और दिल्ली में बहुत जाम लगा हुआ है तो हम लोगों को चांदनी चौक से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लग गए हैं पूरे। ये देखो पूरा यमुना का पानी यहाँ तक भरा हुआ है, वहाँ पूरी भरी हुई था तो रोड। ये रेड अलर्ट हो गया आपको तो फिर उस साइड देखना और ज्यादा पानी भरा हुआ पूरा लोगों पे। महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट दिल्ली सामने पूरा पानी भरा हुआ, पूरा यमुना का पानी भरा हुआ वहां तक। पूरा यमुना का पानी आ रखा है दिल्ली के यहाँ पे कश्मीरी गेट में। ये रोडे बंद हो रखी हैं तो यहाँ पे जाम लगा हुआ बहुत ज़्यादा, तो तालाब बना हुआ बिल्कुल इसलिए जाम लगा हुआ यहाँ पे वहाँ तक। 2 घंटे से खड़े हम यहाँ पे, ऐसा लग रहा नदी में चला रहे हैं बैठे। पानी भरा पड़ा भाई हमारा पानी, इधर तो भीड़ भी बहुत हो रखी है। ये क्या देखने के लिए आए हैं क्या है? कौन कुछ जा रहे हैं, कुछ सवारी है। कुछ कांवड़ वाले हैं। पूरा हमारा टीरी वाली वो बनी हुई झील ना, पूरा पानी भरा हुआ रोड पे यमुना का, सेफ नहीं है ना। चलो सेफ नहीं, हम तो आ गए हैं, अब क्या सेफ, खतरे से खाली नहीं है। क्या लगा पत्थर देखने के लिए खड़े हैं लोग, देखने के लिए आ रखे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखने वालों की कमी नहीं है, सब देखने के लिए लगी हुई है। ये दिल्ली की यमुना नदी और पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा। ये क्या रोड के नीचे? ये रोड है सारी। अच्छा, पूरी रोड तक भरा हुआ है पानी। कल जाम लगा हुआ है, ये पूरा भर गया है रोडों पे पानी। हर हर महादेव, कांवड़ वाले हैं सारे। ये
पूरा कांवड़ वालों के लिए लगे हुए फ्लैग है यहाँ पे, झंडे कांवड़ वाले लेके जाते थे। और ये है दिल्ली की यमुना नदी, आप देख सकते हैं जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है और पूरा दिल्ली के कश्मीरी गेट तक पानी पानी भरा हुआ है रोड पे। खतरे के निशान से ऊपर है यमुना नदी दिल्ली की। ये है दिल्ली की सड़कों का नजारा। सड़कों का क्या यमुना नदी का। दूर वाली रोड कांवड़ वालों के लिए छोड़ी है सारी, है ना? नहीं नहीं, किनारे किनारे लगा रखे ना, कांवड़ वाले ही दिख रहे हैं सारे, तो किनारे किनारे छोड़ रखा उन्होंने। वहाँ से छोड़ते हैं ना हरियाणा से, अतनी कुंज से जो पानी छोड़ा जाता है, तो दिल्ली का जो यमुना नदी है जो दिल्ली की, उसका जलस्तर ये बरसात के टाइम पे हमेशा बढ़ जाता है, पर इस बार बहुत ज़्यादा है। सब कह रहे कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और पूरा कश्मीरी गेट तक रोड पे पानी पानी हो रहा है। और चांदनी चौक का भी आज मार्केट लगभग बंद ही था 50%, सब रोड इधर बंद कर रहे हैं। उस वाले रोड पे ही चल रहे हैं वैसे कांवड़ वाले सारे। वेलकम पे पहुंच गए राइट साइड में, यमुना क्रीड़ा स्थल, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दिल्ली में ही दिख रहे थे और ऋषिकेश हरिद्वार में क्या हाल होगा, नहीं मानसरोवर पार्क शुरुआत है ये? नहीं शुरुआत नहीं है, शिवरात्रि तक होते बस। ग्रुप में जाते हैं सब, लेडीज भी है साथ में। झिलमिल पहुंच गए अपने घर इंद्रापुरम में और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो बहुत टाइम लग गया हमको चांदनी चौक से आने में, 3 घंटे, 3.5 घंटे में पहुंचे हम जाके, बहुत जाम लगा हुआ था वहाँ पे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।